आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज, देश विदेश के खबरों के साथ लगातार जुड़े रहिए जगदूत न्यूज के साथ। आपको बता दें कि भोजपुरी जगत के जाने माने हस्ती स्टारों के स्टार जुगली सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे पटना। सनोवर खान ब्यूरो बिहार की रिपोर्ट के साथ राजेंद्र कुमार राजू समूह संपादक की रिपोर्ट पटना। इन दिनों भोजपुरी फिल्म के चर्चित चेहरा, भोजपुरी दर्शकों के दिल की आवाजों की पुकार दिनेश लाल यादव निरहुआ महाछठ पूजा के अवसर पर लेकर आए हैं निरहुआ हिंदुस्तानी थीम। 14 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी थीम की प्रमोशन को लेकर निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले होटल रिपब्लिक पटना के संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार कि निरहुआ ने क्या बोला। निरहुआ हिंदुस्तानी थीम रिलीज की जानकारी निर्माता प्रवेश लाल यादव ने बताया कि निरहुआ हिंदुस्तानी थीम का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। जिस तरह की फिल्म के ट्रेलर पोस्टर पर लोगों का रिस्पांस आया है उसे पूरी फिल्म कास्ट एवं क्रू उत्साहित है। यह फिल्म भोजपुरी के दर्शकों के लिए छठ पूजा का उपहार होगा। उम्मीद है कि फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 1, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की तरह निरहुआ हिंदुस्तानी 3 भी अपनी पहली फिल्म 2 एवं फिल्म 1 की अपेक्षा काफी बेहतर साबित होगी। निरहुआ से बात करते हुए उन्होंने क्या बताया तो आप सुनिए। तो आप बताइए कैसे आपने सोचा ये फिल्म के बारे में, प्रवेश लाल यादव क्या महत्व है। तो ये फिल्म रिलीज हो रही है छठ पूजा पे। मैं विनती करता हूँ आप सभी दर्शकों से कि आपको अगर होना है टेंशन फ्री तो आप एक बार देख लीजिए निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और आप इतना इंटरटेन हो जाएंगे। आपको हंसाएगी ये फिल्म, आपको रुलाएगी ये फिल्म, आपको कुछ अपने संस्कारों के महत्व को भी बताएगी ये फिल्म और कुल मिला के फुल इंटरटेनिंग फिल्म है। आपको बहुत मजा आने वाला है।